क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में एलिमेंट्स के बारे में समझा था, समझा था ना? और हमने उस क्लास में क्या समझा था? और हमने समझा था मैटर के बारे में कि व्हाट इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड व्हिच हैज मास इज नोन एज मैटर। तो हमने मैटर के बारे में वहां पे क्यों समझा था? क्योंकि मैटर को हमने फर्दर डिवाइड किया था किसमें? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो एलिमेंट्स के बारे में तो हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? तो आज की क्लास में हम समझेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक, तो एलिमेंट्स में हमने क्या समझा था कि एलिमेंट्स जो है या मैटर, मैटर किससे बना हुआ है? सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है? एटम्स है। तो एलिमेंट्स की भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। ठीक, तो एलिमेंट में हमने क्या समझा था? एलिमेंट में हमने ये समझा था कि एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक ही टाइप के, मतलब सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ये बात समझी थी ना हमने कि जितने भी एलिमेंट है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन या ऐसे कोई भी एलिमेंट, या गोल्ड, कोई भी एलिमेंट ले लो। तो जैसे मान लो कि आपके पास गोल्ड का एलिमेंट है, ठीक, तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो सेम टाइप के होंगे और वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे अगर गोल्ड को अगर आप तोड़ोगे, एलिमेंट को तोड़ते जाओगे, तो उसके जो एटम आपको मिलेंगे वो सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एटम आ जाए, आपने गोल्ड के एलिमेंट को तोड़ा तो उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम है और कुछ एटम हाइड्रोजन के भी आ गए या क्लोरीन के भी आ गए, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट तब प्योर सब्सटेंस कहलाता है जब उसमें एक ही टाइप के एटम्स हो। तो सारे एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, है ना? तो जैसे गोल्ड का एलिमेंट है तो उसमें गोल्ड के ही एटम होंगे, हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये बात मैंने थोड़ी सी रिवाइज करा दी आपको पिछली क्लास की। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, मिस कर दी है, तो आप क्या करोगे? तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको पता ही चल गया कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। अब कंपाउंड्स को भी प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो इसको समझने से पहले, सबसे पहले हम कंपाउंड्स की डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट आर कंपाउंड्स, की कंपाउंड्स होते क्या है। तो एक बार हम डेफिनेशन बोर्ड पे देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी टफ लग रही होगी कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड कैसे प्योर सब्सटेंस है ये हम समझेंगे। अब उसको समझने से पहले हम समझ लें कि कंपाउंड बनते कैसे। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। जब कोई दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइंड किया जाता है, या वो जब केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। और वो कंपाउंड कैसे बनता है? इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय अ मास। मतलब वो जो एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं, जब कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो उनमें जो जुड़ते वक्त उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मास के फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अभी टफ लगेगी, इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2O। ठीक, ये क्या है? तो ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक एलिमेंट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का। और दूसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन का। ठीक, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि H2O में 2 का क्या मतलब है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये जो 2 है, ये जो सबस्क्रिप्ट है 2 है, इसका मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट के 1 एटम है। तो ये दोनों जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक, अब केमिकली कंबाइंड होने का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमने एक चैम्बर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक चैम्बर ले लिया और इसमें हमने डाल दी हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट जो था वो हमने डाल दिया इसके अंदर, और उसके अंदर हमने क्या डाला? और उसके अंदर हमने डाला ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक, ये ऑक्सीजन के एटम्स है। ठीक, अब हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस सिंपली एक गैस चैम्बर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डाल दिया। ठीक है,
और उसको हमने क्या किया, उसको हमने मिक्स कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त इसको मिक्स करने से क्या हाई वाटर बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा? तो ऐसे मिक्स करने से कंपाउंड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हमने इसको केमिकली कंबाइन नहीं किया, हमने सिर्फ इसको फिजिकली मिक्स कर दिया। हाइड्रोजन गैस डाल दी और ऑक्सीजन गैस डाल दी, मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट डाल दिया और ऑक्सीजन का एलिमेंट डाल दिया। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली मिक्स कर दिया, इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ ही नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो कंपाउंड नहीं बना। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक स्पार्क डालते हैं, जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक स्पार्क डालते हैं मतलब बिजली डालते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम से केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बनता है, तब कंपाउंड बनता है। और तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का वन एटम मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाते हैं और तब वाटर बनता है। क्लियर? तो अब समझ में आई आपको बात कि जब कभी भी कोई दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, तो कंपाउंड बनेगा, और अगर हम फिजिकली इसको आपस में मिलाएंगे तो कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन का ये वाला पार्ट कि वेल क्या था, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब ये क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने H2O का एग्जाम्पल लिया तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, वो होता है 1U, ठीक। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, ठीक। तो ये होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है, अगर आपने एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ जानते हो, कुछ समझते हो, तो आपको पता होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एटॉमिक मास के बारे में बता देती हूँ। तो जो एटम है, ठीक है, तो एटम के अंदर आपको पता है कि मान लो ये एटम है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम डिटेल में अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक मास समझाने के लिए आपको ये बता रही हूँ। तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या बनता है, एटॉमिक मास, ठीक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, U से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U, और ऑक्सीजन का कितना है, 16U, क्लियर। अब हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर H2O, इसी का एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो अब एक एटम का एटॉमिक मास कितना है, 1U, तो वाटर में कितने एटम्स है, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2U, ठीक। और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का तो एक ही एटम है, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, 16। तो यहां पे हो गया 16U, क्लियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2U, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, क्लियर। अब अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं रेशियो, 2U/16U, यू से यू कैंसिल हो गया और 2 1, और ये हो गया 8, मतलब 1:8, क्लियर। क्या हुआ, इसका रेशियो आया 1:8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन जो है जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन का पार्ट कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन का पार्ट कितना होगा, 8। मतलब ये 1:8 के पार्ट में आपस में जुड़ेंगे और बनेगा वाटर। अब समझ में आया इस लाइन का मतलब कि इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब किसी भी जगह का, जब आप पानी देखोगे, चाहे आप रिवर का पानी देखो, चाहे पॉन्ड का पानी देखो, या कहीं लेक का पानी देखो, कहीं पे भी पानी देखोगे तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमेशा 1:8 के कॉम्बिनेशन में ही आपस में कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो दो एलिमेंट्स है वो आपस में जुड़ रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पर तो दो एलिमेंट थे, ऐसे दो से ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे आप समझ लो HNO3, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 3 एलिमेंट्स है।
तो इसी तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और कैसे इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब दो एलिमेंट के पर्टिकुलर पार्ट जब आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे तो बनेगा हमारा कंपाउंड। क्लियर? तो ये बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अब एक बात रह गई कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। तो अभी तक हमने एलिमेंट्स में पढ़ा कि एलिमेंट एक टाइप के ही एटम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, इसके भी हाइड्रोजन के भी एटम आ रहे हैं और ऑक्सीजन के भी एटम आ रहे हैं, तो इसे कैसे हम प्योर कह सकते हैं? तो इम्प्योर हो गया कि इसमें हाइड्रोजन के भी एटम है, इसमें दो टाइप्स के एटम हो गए, है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम आ गए और ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम आ गए, तो दो टाइप के एटम हो गए, तो ये कैसे प्योर सब्सटेंस है। अब यहां पर क्या होता है कि जब कंपाउंड्स में, अब इसे प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं, अब ये समझो, इसे प्योर सब्सटेंस इसलिए कहते हैं कि जब किसी भी कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल, है ना, एलिमेंट्स की क्या थी स्मॉलेस्ट यूनिट, एलिमेंट की थी एटम, तो एलिमेंट में सारे एटम एक टाइप के थे, लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है मानी मॉलिक्यूल, वो सारे कैसे हैं, वो सारे एक टाइप के हैं। मतलब अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो वाटर, कहीं का भी वाटर होगा तो वो H2O मतलब इसी मॉलिक्यूल से बनेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर में आप CO2 भी मॉलिक्यूल देख लोगे, कि अगर कहीं वाटर है तो कहीं पर H2O का मॉलिक्यूल है उसमें और कहीं पर CO2 का मॉलिक्यूल है, या कहीं पर उसमें HCl का मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं होगा, है ना, हमेशा वाटर में क्या होगा, H2O का ही मॉलिक्यूल होगा। कहीं के भी वाटर में देखोगे पर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, वो H2O इसी फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं है कि रिवर का देखा तो H2O का हो गया फॉर्म में और लेक का देखा वाटर तो CO2 फॉर्म में हो गया, ऐसा नहीं है, सब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इसको भी हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कंपाउंड्स जो हैं वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अब समझ आ गया कि क्यों इसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छे से खोल के समझ ली कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस और कैसे केमिकली कंबाइंड होते हैं और क्या होता है और कैसे ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाय मास ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स आ गए कंपाउंड्स के, तो एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि जितने एलिमेंट्स है वो कई तरीके से आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, फिर CaCO3 जिसे मार्बल कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, फिर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ऐसे बहुत सारे आपके पास क्या है, कंपाउंड्स हैं। इनमें से तो कुछ नाम दिए, जैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, फिर इसके बाद आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिलके ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब लास्ट में क्या पढ़ेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर्टीज क्या, प्रॉपर्टीज में क्या हो गई, तो सबसे पहले हम इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। और सेकंड क्या था इसमें कि जो मिलके जब बनते हैं तो इनमें क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ये आपस में मिलकर वो नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, कंपाउंड्स नहीं बना सकते एलिमेंट्स। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, अब जब भी जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर किससे मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना। ठीक है, तो जो कंपाउंड बना जैसे H2O बना, वाटर कंपाउंड है ना, H2O बना, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है किससे, जिससे ये बन रहा है, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उससे जो कंपाउंड है वो उसकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, लेकिन जब ये आपस में मिल गए तो क्या बनाया, इन्होंने वाटर बनाया, है ना, इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया, तो इसका मतलब इससे एकदम अलग हो गई वाटर की प्रॉपर्टी, है कि नहीं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड कैसे बनेगा, हम लेंगे आयरन, आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe, और
उसमें क्या मिलाया हमने, सल्फर, ठीक है, और उसको हमने किया हीट, हीट किया तो क्या बना, फेरस सल्फाइड। ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है फेरस सल्फाइड। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमने क्या किया, आयरन और सल्फर को हमने गर्म किया। गर्म क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें केमिकली इसको कंबाइन करना है। अगर हम आयरन, अगर आयरन जैसे आयरन की फिलिंग्स होती है, ठीक है, आयरन के फिलिंग्स लिए एक बोल में और दूसरे में सल्फर लिया और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये केमिकली कंबाइन नहीं हुए। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे, मिक्स करके गर्म करेंगे, तो क्या होगा, आयरन और सल्फर एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, अब जैसे मान लो हमने नॉर्मल इसको मिक्स कर दिया आयरन और सल्फर को एक बोल में, और फिर हम उसके पास मैग्नेट लेके आए, तो आपको पता है ना आयरन का क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर कहीं से भी इसके पास हम मैग्नेट लेके आएंगे तो आयरन उस मैग्नेट से चिपक जाएगा, उससे अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो हम जब आयरन और सल्फर को नॉर्मल मिक्स करते हैं और मैग्नेट लेके आते हैं, तो आयरन क्या होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उससे चिपकता है, है ना। लेकिन जब हम इसको गर्म कर देते हैं, आयरन और सल्फर को मिला के आपस में गर्म कर देते हैं, तो क्या बनता है, फेरस सल्फाइड। तो अगर हम फेरस सल्फाइड के पास मैग्नेट लेके आएंगे, तो अब फेरस सल्फाइड किससे बना, आयरन से बना है, तो जो ये मैग्नेट हम लेके आए तो इसका मतलब इसमें भी आयरन चिपके जो फेरस सल्फाइड में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड बना इससे, एलिमेंट से बना, तो वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो इन दोनों से एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। यही हमने बताया अपने सेकंड प्रॉपर्टी में, क्या कि जो भी कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। तो जब हम फेरस सल्फाइड के पास मैग्नेट लेके आएंगे, तो उस पर मैग्नेट जो आयरन है वो नहीं चिपकेगा, एक तो ये हो गया। अब आयरन की एक प्रॉपर्टी और भी होती है, कि जब इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालें, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 पता है ना आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। जब हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे आयरन में, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम फेरस सल्फाइड में H2SO4 डालेंगे, तो उसमें एक बहुत गंदी स्मेल करने वाली गैस निकलेगी, रॉटन एग जैसी स्मेल करने वाली गैस निकलेगी, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर भी ये शो हो गया कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो अलग है, ठीक, आयरन की प्रॉपर्टी ये नहीं शो कर रहा है। इसी तरीके से सल्फर की प्रॉपर्टी भी ये कंपाउंड जो है वो शो नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जब कंपाउंड कोई भी बन गया, किसी भी एलिमेंट के मिलने से, जब कंपाउंड केमिकली कंबाइंड होने से जब कंपाउंड बना, तो इसकी प्रॉपर्टी इनके कॉन्स्टेंट जो है, जो एलिमेंट्स है, उससे एकदम अलग होगी। क्लियर। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो या तो एनर्जी इवॉल्व होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। किस फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में। तो जैसे हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, हमने क्या देखा था, कि जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को नॉर्मली मिलाया तो कुछ नहीं हुआ उसमें, है ना, वाटर नहीं बना। लेकिन जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पास किया, ठीक, तो हमने एनर्जी पास की, तो क्या हुआ, तब वो कंबाइंड हुए और उसमें क्या हुआ, उसमें कंपाउंड बना, है ना, वाटर बना। इसी तरीके से जैसे फेरस सल्फाइड है, तो फेरस और सल्फाइड को जब हमने नॉर्मल मिक्स किया तो कंपाउंड नहीं बना, फेरस सल्फाइड नहीं बना। लेकिन जैसे ही हमने इसको हीट किया, मतलब इसमें एनर्जी दी, तो क्या हुआ, फेरस सल्फाइड बना और इसके बाद हीट निकली भी, एनर्जी निकली भी। तो हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी एवॉल्व होती है, यानी कि निकलती है। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आ गए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये है कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब वो फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं या मेल्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वाटर है, वाटर कंपाउंड है H2O, तो उसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर बॉयल होता है किस टेम्परेचर पे, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो क्या हुआ, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा है, ठीक। तो इससे हमें क्या समझ में आया, तो इससे हमें समझ में आया कि जो भी कंपाउंड है उसके फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी है, इसके बाद क्या है, जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होमोजेनस होते हैं,
वो क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस मतलब क्या हुआ, होमोजेनस मतलब ये हुआ कि कंपाउंड्स के जो भी पार्टिकल होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। जैसे जैसे आप एग्जांपल ले लो NaCl, NaCl नमक का ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो जब भी आप नमक को देखोगे तो नमक के पार्टिकल आपको सारे एक जैसे दिखेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पार्टिकल्स उसमें आपको दिखे, है ना। और उनका टेस्ट भी एकदम एक ही जैसा हुआ, चाहे आप बॉटम से ले लो, चाहे आप उसके ऊपर से ले लो, चाहे कंटेनर के साइड से ले लो, नमक हर टाइम पे सॉल्ट जो है वो आपको एक ही जैसा दिखेगा, NaCl, ठीक है। ऐसे ही अगर आप फेरस सल्फाइड को देखो तो फेरस सल्फाइड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो एकदम सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से मॉलिक्यूल आपको दिखाई देने लगे। तो ये क्या हो गए, इसे हम कहते हैं कि जो कंपाउंड्स है वो होमोजेनस है। क्लियर। तो ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज कंपाउंड के। अभी यहाँ पे एक कुछ प्रॉपर्टीज और भी है, जैसे कि कंपाउंड को कभी भी हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस मतलब जैसे एवोपरेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, इस तरीके के जो प्रोसेस है, इससे हम जो कंपाउंड है उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अलग करने के लिए भी केमिकल प्रोसेस को ही यूज में लाना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये इसकी आगे की प्रॉपर्टी हो गई कि कभी भी जो भी कंपाउंड्स हैं उनको ना तो हम उनको फिजिकली बना सकते हैं और ना ही हम उन्हें फिजिकली अलग कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस में हमें केमिकल रिएक्शन कराने पड़ते हैं, केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो H2 है, वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल को H और ऑक्सीजन को हम नॉर्मल एवोपरेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते, है ना, या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टीज की, ठीक। तो अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें आपको कंपाउंड्स के बारे में बता दी, कंपाउंड्स की डेफिनेशन बता दी, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बता दी, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स बता दिए, और कंपाउंड्स को क्यों प्योर सब्सटेंस कहा जाता है ये भी समझाया। तो मुझे लगता है कि मैंने इस क्लास में बहुत अच्छे से आपको कंपाउंड्स के बारे में समझा दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ना, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके। और आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके, ठीक। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।